साहिबान मेहरबान जिन्नत अमान हट कुछ भी मेहरबानो कदरदानो सायराबानो आपके शहर में कंघियों की बरसात आई है। बड़ी कंघी छोटी कंघी पतली कंघी मोटी कंघी उलझे बालों को सुलझाने वाली कंघी जुओं को बाल से खेच कर निकालने वाली कंघी ऐसा ऑफर कभी नहीं मिलेगा सर। 5 कंघी सिर्फ 20 रुपए में ले लीजिए सर। हाँ सर सर देखिए ना चेक कर लीजिए सर ऐसा ऑफर कभी नहीं मिलेगा सर। अरे अरे धक्का क्या मार रहे हो भाई। अरे यार तुम्हारी चाय। ऐसे चाय पीना कब बंद करोगे? अब कोई नहीं पीता ऐसे। अरे बड़े बड़े लोग भी ऐसे ही चाय पीते हैं। ये फुर्री मार के चाय पीने का आनंद ही अलग है समझी। अच्छा बड़े लोगों से याद आया दुबे जी की पत्नी आई थी किराया मांगने 2 महीने हो गए ना। हद कर दिए बनाने वाले। एक तो यहाँ कोई कंघी नहीं खरीद रहा और ऊपर से घर का किराया जमा नहीं। तुम्हारे पास कितने पैसे? वो तुम बर्तन और कपड़ों में छुपा के रखती हो ना। अरे नहीं 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 मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगी। बहुत जतन से जमा किया है। लेकिन तू क्या करेगी उस पैसों का? वो पैसे हमारे आने वाली नई खुशियों के लिए है। आने वाली नई खुशियों का मतलब? ए, मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ? मुझे नहीं पता लेकिन मैं माँ जरूर बनने वाली हूँ। हट पागल तू ऐसे मुझे बताएगी? अरे इतनी खुशी की खबर तू मुझे ऐसे सुना रही है? छमछम की आवाज आ रही है। 100% देखना लड़की होगी। देख अब हमारे घर में लक्ष्मी कैसे आई। तूने तो हमारी लॉटरी खोल दी। अरे रामप्रसाद भैया मुझे ना तुम्हारा ये दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है। रोज मुंह उठा के आ जाता है। तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं? पुराना दोस्त है यार। एक तो उसके माँ बाप भी नहीं है। कोई तो सहारा होना चाहिए ना। एक कप चाय बना के लाओ जल्दी से। मैं उससे देखता हूँ ठीक है जी। सुनो अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है वाह नई फटफटी नया चश्मा वाह जगदीश बाबू। किसकी उड़ा के लाए हो भाई? बस दो दो हाथ में जीता वो भी पूरे एक दिन के लिए। बोलो कैसा लग रहा हूँ मैं? दो दो हाथ की खेलते रहोगे जिंदगी भर। कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? क्या भैया हमेशा काम धंधा काम धंधा। अंदर चाय तैयार है चलो। क्या बात है। अरे वाह भाभी आपको कैसे याद रहा भाभी कि मुझे आधा गिलास ही चाय चाहिए। अब भैया दूसरी बात काम धाम के लिए हम नहीं बने। वो रोज रोज सुबह दाढ़ी बना करके काम पे जाओ लाइफ मतलब झंड हो जाती है समझो। ये सब हमसे ना हो पाएगा भैया। तो कैसे चलेगा रे? हाँ काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? अरे आप लोग है ना दो रोटी तो कोई भी खिला देगा है कि नहीं भाभी? और भाभी देखना एक दिन जब मेरी लॉटरी लगेगी ना लाइफ एक नंबर की हो जाएगी मेरी। और सुनो चलो इसी बात पे निकालो 10 रुपए। तू और तेरी लॉटरी पता नहीं कब लगेगी तेरी लॉटरी। कैश नहीं मोबाइल में ट्रांसफर मार भाई बदलते भारत का बदलता दोस्त। ये ले भाई कर देता हूँ। और ये हो गया 10 रुपया ट्रांसफर। देखो आ भी गया 10 रुपया। सुनो हाँ। हम जरा अपना दुकान देख लें। तुम तब तक अपना काम करो। ठीक ठीक। कितना टिकट बिका? 200 रुपया का। हाँ।
ये लो। इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो घर से नाश्ता करके ही आया था। मतलब फ्री में नहीं दे रही हूँ, पैसे लगेंगे इसके। तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैं लेता ही नहीं। मैंने क्या कहा था कि मैं नाश्ता करके आया हूँ ना। अरे हद हो गई, मतलब इसका पैसा ही नहीं दोगे तुम। अरे देखो तो क्या बात कर रहा है। अरे क्या छोड़ो मैं। अरे ये लो लो लो, कोई नहीं, टिकट तो खरीदेगा ना। अबे वो पुरानी बात हो गई, अब ये रसीदी टिकट कौन लेगा। ये देख ऐप, सोना चांदी लॉटरी। इसमें क्या होता है कि मोबाइल से ही लॉटरी खरीदो और उसी में जीतो। और अब तो मैं अमेरिका में भी लॉटरी खेल सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ। लेकिन खेलेंगे कैसे बुढ़ाऊ, तुम्हारी उम्र हो चुकी है ज्यादा, तुम्हारे समझ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, ये सोना चांदी लॉटरी ऐप होता है, इसको किया डाउनलोड। देख हमने टिकट खरीदा और 5 नंबर जो है इसमें सेलेक्ट किया, और उसके बाद इंतजार करो। जीत गया तो फिर पैसा कैसे आएगा। जब मोबाइल में खेल सकते हो तो क्यों आए हो इधर। तेरी जलाने के लिए, क्योंकि तेरा धंधा होने वाला है बंद, तू कोई दूसरा धंधा देख ले भाई। जिंदगी भर दोस्तों से पैसा उधार लेकर लाखों की लॉटरी खेले हो, इतने सालों में किस्मत बदल गई क्या तुम्हारी। अरे हम ही तुम्हें टिकट देते थे, फोन पे खेलने से क्या किस्मत बदल जाएगी। अब ट्राई करने में क्या हर्ज होता है, मान लो कि मैं हार भी गया तो 2 रोटी तो कोई भी खिला देगा, है ना भाई। लॉटरी किस्मत का खेल है, अगर भाग्य ने साथ दिया तो चंद रुपयों में खरीदा गया टिकट रातों रात मालामाल बना सकता है, लेकिन किस्मत का ये खेल लाखों में से किसी एक की जिंदगी ही बदलता है। लेकिन फिर भी हर रोज ना जाने कितने लोग इसी उम्मीद में ये टिकट खरीदते हैं कि एक ना एक दिन तो किस्मत उनका साथ देगी ही। और देखा जाए तो बरसों से ये कारोबार इसी उम्मीद पर टिका हुआ है, लेकिन बदलते समय के साथ इसका रंग रूप थोड़ा बदल गया है। आज के इस डिजिटल युग में लॉटरी के टिकटों की खरीद फरोख्त दुकानों से निकलकर ऑनलाइन हो गई है। किस्मत की आजमाइश का ये खेल अब 24 घंटे उपलब्ध है। लेकिन हाँ, लॉटरी का ये खेल सिर्फ देश के 13 राज्यों में लीगल यानी कि वैध है। या आप दुकानों के जरिए या फिर ऑनलाइन इस खेल को खेल सकते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में फिलहाल इस खेल पर प्रतिबंध है। हम अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों के बीच एक भरोसे के साथ रहते हैं, लेकिन जगदीश जैसे लालची और एक झटके में ढेरों रुपए कमाने का सपना देखने वाले लोग अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के दिलों में भी इस लालच का बीज बो देते हैं। यहाँ जगदीश अपने दोस्तों और जान पहचान के लोगों को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए किस्मत आजमाने के लिए उकसा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में लॉटरी का ये खेल इलीगल है, अवैध है, और रातों रात मालामाल होने का ये सपना ही एक संगीन अपराध का कारण बन गया है। कैसे, आइए देखते हैं। तिवारी जी जरा संभल के चलिए, हल्का सा भी चूक जाते तो घुस जाता अंदर। यू फोकट का डराना बंद कर दो खुरेशी, डरते नहीं हम तुमसे। तिवारी जी चाकू से बेचना नहीं जानता हूँ, उसको अच्छे से चलाना भी जानते हैं। इतना कर्रा धार है ना इसका, मक्खन की तरह घुस जाता है अंदर, कब मारेंगे पता भी नहीं चल पाएगा। ये मेरी वाली बस है, इसका नंबर याद कर लेना और आइंदा से इसमें दिखियो मत। ये बस पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, मुझे भी कमाना है समझे। ए, चल। देखो फिर से कर दी ना गिरी हुई हरकत, चलो भाई आप लीजिए ना। अरे नमस्ते दुबे जी, आप कब आए। पकौड़े बना के लाओ फटाफट। हम खाने नहीं आए हैं भाई साहब, 2 महीने के ऊपर हो गए हैं, कब किराया देंगे ये बताइए। दे देगा, तुम शांत रहो। दोस्ती अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह, इनकी तरह दोस्ती करेंगे तो घाटे में ही रहेंगे। कामचोर जगदीश को रोज 10 रुपए देने में इनकी जान नहीं जाती है, लेकिन जब भी भाड़े की बात आती है तो रोज टालते ही जा रहे हैं, टालते ही जा रहे हैं। ये गलत बात है भाई साहब। भाभी जी यकीन मानिए सही में बिक्री नहीं हो रहा, कोई एक कंघी नहीं खरीद रहा आजकल। ये चोट कैसे लगी तुम्हें। ये आज खुरेशी के साथ को पलटिए मत। अरे हमारी भी जरूरतें हैं, हमारे भी खर्च हैं, अगर नहीं रहते बन पड़ा है तो बता दो, हम किसी और को रख लेंगे। ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप और चिल्ला क्यों रही हैं हमें। ओहो देखो खाली जेब और अकड़ इतनी, चिल्ला क्या रहे हैं। अगर 1 महीने के अंदर पैसा नहीं दिया ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। अच्छा तो हम भी देखते हैं कैसे निकालते हैं, कुछ भी बोल रही है। अरे चलो दे देगा। अरे आप भी ना। चलो चलो। अरे वो कुछ भी बोल के जा रही है। सुनो
इस हालत में तुम्हारा गुस्सा करना ठीक नहीं है ना, मैं कुछ करता हूं। दुबे पैसे दे दूंगा यार मैं। अरे मुझे मालूम है, तुम चिंता मत कर। देखो हमको तो चिंता विस्वाद की हो रही है कि अपनी पत्नियां बहुत तेज हो गई है। मेरी वाली तो मर्डर भी कर सकती है। दुबे तू। और बुढ़ो अकेले अकेले। ए सारा मेरा गिलास है। है नहीं था, अभी ये मेरा हो गया। एक बात बताओ बुढ़ो, एक पैर तो तुम्हारा वैसे ही कब्र में है, दूसरे पैर को जबरदस्ती क्यों खींच रहा है उसमें? पानी पिया करो, पानी है कि नहीं? क्या बात है सालो, अकेले अकेले दारू पी जा रही है और मुझे बुलाया भी नहीं। पैसे निकाल, खुद की खरीद, हमेशा हम ही पिलाएंगे क्या? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? नहीं। मैंने सुना तुम्हारी बीबी ने रामप्रसाद को खूब खरी खोटी सुनाई सबके सामने। तो? अरे क्या पैसा पैसा लगा के रखा हुआ है। लो पैसे। इतने सारे पैसे कहां से लाया रे? लॉटरी जीत गया क्या? अरे नहीं, वो मैंने कहा था ना कि दो दो बात खेला जीत गया। पर मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। तो तुझे कौन दे रहा भाई ऐसे पैसे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि दो दो हाथ तू मेरे साथ खेल ले, जीता तो ये पैसे तेरे। बोल। मेरे पास पैसे नहीं। तो इसे दुबे से ले लेना, इसके पास तो है। लेकिन हमें खेलने नहीं आता। हाँ एक काम करो, तुम दोनों मिल करके खेलो, अगर तुम दोनों जीत गए तो राम प्रसाद का भाड़ा माफ। सही है? देख जगदीश तू हार जाएगा। अरे यार हार गया तो क्या हुआ, दो रोटी तो कोई भी खिला देगा। ठीक है भैया। ये हुई ना बात, बहुत सही। ये ले मेरी 100 रुपए की चाल। फोन लगा रहा हूँ, सोच ले। अरे सोच लिया, दिखा चल अभी क्या है। आखिर में हार गया ना तू, अब तो सुधर जा बेटे। ऑनलाइन लॉटरी का रिजल्ट आजकल पेपर में भी आने लगा। 25 लाख। बेटा रामप्रसाद मैं आ रहा हूं। अरे कहां भागे जा रहे हो, लॉटरी लग गई क्या तेरी? अरे पहले फोन मिले तब तो। अरे वो फोन तो तू रामप्रसाद और दुबे के हाथों हार गया था। हाँ हाँ वही वाला। रामप्रसाद दिखा क्या कहीं? वो तो काम पे गया है। साहिबान मेहरबान जिन्नत अमान। हट कुछ भी। मेहरबानो कदरदानो सायराबानो। आपके शहर में कंगियों की बरसात आई है। बड़ी कंगी, छोटी कंगी, पतली कंगी, मोटी कंगी, ऐसा ऑफर कभी नहीं मिलेगा सर। 5 कंगी सिर्फ 20 रुपए में। सर ले लीजिए सर। हाँ सर, सर देखिए ना, चेक कर लीजिए सर, ऐसा ऑफर कभी नहीं मिलेगा सर। 5 कंगी सिर्फ 20 रुपए, 5 कंगी सिर्फ 20। देखो सर ने ले लिया, सब लोग लीजिए, इसका फायदा उठाइए। अरे अरे धक्का क्या मार रहे हो भाई? अरे यार Oh!
ये क्या हो, क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया? किसी पे शक है आपको? कौन कर सकता है ये? सर चोरी तो कुछ नहीं हुआ है, बटुआ भी सलामत है, फिर कौन मार सकता है? वैसे सर ये कत्ल करने वाला बेवकूफ निकला, चाकू यहीं छोड़ गया है, इसी चाकू से कत्ल हुआ है सर। बड़ी कर्री धार है सर इसकी। ये चाकू कुरेशी चाकू भेजता है साहब, उसका झगड़ा भी था मेरा पति के साथ, वही मारा होगा मेरा पति का। आप इत्मीनान रखिए, मैं देखता हूँ। मेहरबान कदरदान यात्रीगण, कृपया ध्यान दीजिए, शेर के पंजे सा तेज और मगरमच्छ के जबड़े जैसी ताकत, आलू हो या बैंगन हर किस्म की सब्जी को काटता है ये चाकू। ऐसी कर्री धार जो चले सालों साल, बीवी जी की कोमल हाथों को जो सूट करे, उन्हीं की तीखी अदाव सा चाकू। आलू हो या प्याज, करेला हो या तुरई, बीवी जी को गिफ्ट दीजिए। 5 टाइप का चाकू है मेरे पास, 20 का 5 20 का 5 20 का 5। चाकू से किसी कत्ल हो सकता है? पकड़ साले को। यही वो चाकू है ना जिससे तूने उसका कत्ल किया है? उससे झूठ बोल रहा है? नहीं सर, नहीं, मेरा चाकू नहीं है। नहीं सर, मैं तो सब्जी काटने वाला चाकू भेजता हूँ सब, इससे तो मांस काटा जाता है नारियल। हाँ साहब। भाभी जी शांत हो जाइए, भाभी जी वो कुरैशी बक्सा नहीं जाएगा। भाभी जी वो कुरैशी ना बहुत लंबा जाएगा, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भाभी जी अपनी भावनाओं पर काबू रखो आरती, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? सब कुछ उन्हीं पे निर्भर करता था। हाँ, मैं अकेले कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी, घर का खर्चा भाड़ा कैसे करूंगी? भाभी आप परेशान मत होइए, भाड़ा तो मैंने भर दिया है, पूछिए दुबे जी से। अच्छा भाभी मैं जानता हूँ समय और जगह ठीक नहीं है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि राम प्रसाद के पास से आपको कोई फोन मिला था क्या? वो अपना फोन कल घर पे ही भूल गए थे, ये रहा उनका फोन। क्यों, क्या हुआ? वो कल रात में दो दो हाथ खेलते हुए मैं अपना मोबाइल फोन दुबे जी और राम प्रसाद से हार गया था। इधर राम प्रसाद की मौत हो गई और तुझे तेरे मोबाइल की पड़ी? नहीं वो बात नहीं है, असल में बदकिस्मती से वो जो कल रात में मैंने मोबाइल ऐप से जो लॉटरी खरीदी थी ना वो लग गई, और जिंदगी में पहली बार 25 लाख रुपए की बम्पर लॉटरी लगी है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए कि दोस्त भी गया और पैसे भी। साहब कुछ पता चला, कुछ बोला कुरैशी? क्या भाई दुबे, नारियल पानी का धंधा नहीं चल रहा आजकल? चलेगा कैसे? चाकू दिया ये आपको कहां से मिला? मैं तो उसको ढूंढ रहा था। वहीं जहां तू कत्ल करके भूल गया था। क्या बात कर रहे साहब? चल साले। अरे सर, दोस्त को मार डाला। नहीं साहब मेरी बात सुनिए ना, राम प्रसाद वो मेरा टिकरी दोस्त था सर। हमने सुना तेरा झगड़ा चल रहा था उसके साथ। उसने तुझे किराया नहीं दिया
तो तूने उसे चैन से मार दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो मेरा बचपन से दोस्त था। लेकिन ये ऐसा कुछ क्यों करेंगे? अरे इन्हें तो गुस्सा तक नहीं आता, ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, है ना आरती? साहब झगड़ा किया था इन्होंने हमारे सामने, और पैसा तो बड़ी चीज होती है, किसी का भी दिमाग पलट सकती है। और सुमेश तुमसे ये उम्मीद न थी। साले ऐसे नहीं भाई, तूने दोस्ती, ये तो मेरा फोन है, तेरे पास में कहां से आया? फोन लगा रहा सोच ले। सोच लिया, दिखा चल अभी क्या है। तो बोला था कि जैकपॉट का पता था ना तुझे? नहीं। और तूने सिर्फ लॉटरी के लिए तूने रामप्रसाद को मार दिया। जगदीश जिस चाकू से रामप्रसाद तिवारी का खून हुआ वो सुरेश के पास से मिला, और जिस मोबाइल में 25 लाख के जैकपॉट का टिकट था वो भी सुरेश के पास से ही मिला। ये वही फोन है जो जगदीश जुए में हारा था। मर्डर वेपन और लॉटरी के जैकपॉट से जुड़े मोबाइल का सुरेश के पास से मिलना उसे इस हत्याकांड का आरोपी बना रहा है। ये ठीक है कि इस मामले में सुरेश के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, लेकिन ये मामला जितना सीधा और स्पष्ट दिख रहा है उतना है नहीं। मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं माँ जरूर बनने वाली हूँ। छमछम की आवाज आ रही, 100% देखना लड़की होगी। अब देख हमारे घर में लक्ष्मी कैसे आई, तूने तो मेरी लॉटरी खोल दी। सब गड़बड़ हो गया, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इनको पुलिस उठाकर लेके गई है, इन्होंने कुछ नहीं किया, हम जानते हैं अम्मा, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मा, सब गड़बड़ हो गया है। हाँ क्या गड़बड़ हो गया भाभी, मैं हूं ना अम्मा। हम आपको बाद में फोन करते हैं। हाँ देखिए भाभी, आपको जरा से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे रामप्रसाद मेरा दोस्त है वैसे दुबे भी मेरा दोस्त है। मुझे तो एक बात यही समझ में नहीं आ रही है कि जो इंसान एक चींटी नहीं मार सकता वो किसी को चाकू कैसे मार सकता है। और दूसरी बात यह है कि दुबे की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को मारे, और उसको इतना गुस्सा भी नहीं आता था, इसलिए मुझे ये बात हजम नहीं हो पा रही। यही तो हम कह रहे हैं कि सुरेश ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, वो ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन आपको तो बहुत गुस्सा आता था ना। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? हमने ना, 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 मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। अरे मैं आपके ऊपर शक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि खैर जाने दीजिए, माफ करिए मुझे। तो तुम यहाँ क्यों आए हो, अब क्या चाहिए? मैं तो आपसे ये कहने के लिए आया हुआ था कि अगर कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप निसंकोच मुझसे कहिए। मान लीजिए दुबे को जैसे जेल से छुड़ाने के लिए अगर पैसों की जरूरत है, या किसी और काम के लिए अगर पैसों की जरूरत है, तो आप कभी भी मुझसे कह सकती हैं। आखिर देवर हूँ भाभी मैं आपका, आपको कभी निराश नहीं करूँगा। अच्छा हाँ, ये दो दो हाथ में कुछ पैसे जीता हुआ था, इससे रख लीजिए। रखिए 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 भाभी, चलिए मैं चलता हूँ, नमस्ते। भैया ये दे देना ना। 50 रुपए भाभी जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। कितने हुए भैया? 50 रुपए।
आरती उससे बात करो, मुझे नजरअंदाज मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। सुरेश और रामप्रसाद दोनों दोस्त थे, जरा सोचो आरती। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आरती, आरती प्लीज छुइए मत। ये पांच कंघों का सेट देखिए, इसमें सारे रंग हैं। हाँ, आपके ये बहुत काम आएगा, ये ले लीजिए, इसमें सारे रंग हैं। अरे अब आप कैसे आगे बस में हा? मुझे फालतू में पिटवा के मन नहीं भरा आपका? अभी भी आपको चैन नहीं है जो मेरे धंधे पे नजर गड़ा रखी आपने? अरे भाई बस रोक। नहीं नहीं भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कमाई का और कोई साधन नहीं है, मैं क्या करूँगी? हाँ तो मैं क्या करूँ? अब मेरी बात समझिए ना, मेरा घर कैसे चलेगा? देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मुझे माफ कर दीजिए, आप नीचे उतरिए। नहीं, 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 अरे भाई गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। मेरे पास कोई और साधन नहीं है, मेरी बात समझिए। नहीं, 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 आप मुझे माफ कर दीजिए, आप नीचे उतरिए। चलिए नीचे उतरिए, उतरिए, दोबारा दिखिए मत और बस में भी मत आइए, और मुझे माफ कर दीजिए। चलिए चलो भाई, बीस के बाद बीस के बाद बीस के बाद चीज बेमिसाल चले सालों साल। ठीक हो जाएगा भाभी, रो मत आती, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? मैं अकेले कैसे करूं? सब ठीक हो जाएगा आदि, तुम चलो मेरे साथ, चलो। आदि पानी, अब इन दिनों में तुम्हें अपने पैरों का और कंधों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। भाई साहब नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ये क्या हो गया भाभी, ये मैं क्या करूं, ये सब क्या हो गया, किसने किया और क्यों भाभी? देख अगर कुरैशी ने नहीं किया ना, तो एक बात तो पक्की है कि खून लॉटरी की वजह से ही हुआ था, सुरेश ने खून नहीं किया है। और मैं जानती हूँ कि मन ही मन तुम भी यही मानती हो, लेकिन भाभी फिर किसने किया? अब बचा जगदीश, एक नंबर का कमीना, दूसरों के पैसों पर जीने वाला, वो कुछ भी कर सकता है। क्या लॉटरी तो वो जीत गया, लेकिन लेकिन जुए में अपना फोन हार गया। फोन लगा रहा, सोच ले। अरे सोच लिया, दिखा चल अभी क्या है। शायद रामप्रसाद को जैकपॉट वाली बात पता चल गई होगी, और वो भी फोन नहीं देना चाहता था। फोन की छीना जब्ती में जगदीश ने रामप्रसाद को मार दिया हो, और सारा इल्जाम सुरेश पे डाल दिया हो।
भाभी अब हम क्या करेंगे? अट्ठा नहला और ये रहा दहला। बड़ा मजाक उड़ाता था ना मेरा। हाँ। अब देख कैसे हराता हूँ सारे गेम। इक्की ये वैसे एक बात बता, ये ई वॉलेट से पैसा कैसे निकालते हैं? अरे वो सब बाद में बता। भाभी आप क्या चाहिए आपको? मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। आइए। हाँ भाभी बताइए। मुझे नहीं पता कि सुरेश ने रामप्रसाद को मारा है कि नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि अब वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। मेरी जिंदगी तो खराब हो ही चुकी है और साथ में आरती की भी। मैं ये शहर छोड़ के जाना चाहती हूँ। लेकिन भाभी मैं क्या मतलब? किस्मत चमकी भी तो कब, जब खुशी बांटने वाला ही नहीं रहा। ये 50 लाख की लॉटरी निकली है, ये तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। 50 लाख रुपए ये मैं रखूं? हाँ, एक लॉटरी तो तुम गवा ही चुके हो और सालों से इसी के लिए तो तुम कोशिश कर रहे हो। ये तुम रख लो और मेरी दुकान भी ले लो, बस उसके बदले मुझे 6-7 लाख रुपए दिलवा दो, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा भाभी? आपको तो पता ही है मैं दूसरों के भरोसे पे जीता हूँ, और लाख रुपए क्या, मैं तो आपको 1000 रुपए भी नहीं दे सकता भाभी। सुनो विद्या, माफ करना पर बात सुनी मैंने तुम्हारे और जगदीश के बीच में। 50 लाख की लॉटरी निकली है, ये तुम ले लो। 50 लाख रुपए ये मैं रखूं? और मेरी दुकान भी तुम रख लो, उसके बदले मुझे 6-7 लाख रुपए दिलवा दो, मेरा काम चल जाएगा। मुझे ये डील मंजूर है, मैं तुम्हें 6 लाख रुपया दे सकता हूँ, लेकिन वो लॉटरी का टिकट मुझे दे दो। आपके पास इतना पैसा? हाँ, 6 लाख रुपया मैं तुम्हें कैश नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हारे ई वॉलेट में डाल दूंगा, तुम निकाल लेना, ठीक है? लाओ अपना फोन दो, मैं इसमें ई वॉलेट डाल देता हूँ। ये लो। तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। लाओ टिकट लाओ। अच्छा मैं चलता हूं। आज का दिन अच्छा है मेरे लिए, बुढ़ापे में जाकर लक्ष्मी आ रही है। देखो लिए। मतलब लक्ष्मी आज भी नाराज है आपसे, प्राउड हुआ है आपके साथ। ये टिकट बिल्कुल नकली है, हुल्लू बना दिया आपको बेचने वाले ने। मेरे पैसे लेकर मुझे झूठी टिकट दे दिया तुमने। ला मेरे पैसे दे। कौन से पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मैं दिखता कमजोर हूँ, हल्के में मत लेना। ये मैंने पहले भी किया है और वापस करने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। क्या क्या है तुमने? हाँ इसका अंदाजा लगाओ।
राम प्रसाद को मारा तुमने? क्यों मारा उन्हें? क्यों मारा उसे? कोई उपाय नहीं था, मुझे भी पैसे चाहिए थे, मैं अमीर बनना चाहता था, मेरी लॉटरी आज तक नहीं लगी थी। राम प्रसाद और दुबे जगदीश के साथ मिलकर मेरी हंसी उड़ाते थे, मुझे सब दिखता था। लेकिन मारा क्यों? क्यों? मैं राम प्रसाद को नहीं मारना चाहता था, मैं तो जगदीश को मारना चाहता था। कोई उपाय नहीं था, मुझे पैसे चाहिए थे। लेकिन लेकिन फोन तो तुम चोरी भी कर सकते थे, मैं दुबे को क्यों फंसाया? अगर फोन चोरी करता तो पकड़ा जाता, पुलिस मुझे ढूंढ लेती। मैं इस लॉटरी में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता था, मैं तीनों को मारने की वजह एक को मारकर दो को फंसाना उचित समझा। राम प्रसाद को मारकर दुबे को फंसाया और फोन तोड़कर जगदीश को उलझाया। साले ऐसे नहीं भाई तूने दोस्ती, ये तो मेरा फोन है, तेरे पास में कहां से आया? ये सब आसान रहा मेरे लिए, तुम दोनों के आपस के झगड़े का फायदा उठाया मैंने, तुझे मारकर इसे फंसाऊंगा, पुलिस समझेगी बदला है। मेरे पैसे निकाल वरना। और मुझे भूल गया तू, माना कि मैं बहुत निकम्मा हूँ, काम चोर हूँ, कोई काम धाम नहीं करता, दूसरों के भरोसे पर अपनी जिंदगी काटता हूँ मैं, अच्छा दोस्त भी नहीं। बहुत अच्छा किया तूने जो खुद अपने मुंह से तूने सब कुछ कबूल कर लिया, और जानता है अब तेरी पूरी जिंदगी ना जेल में कटेगी। सर ले जाइए इसको। चलो चल चल। मैंने कहा था ना सुरेश ने कुछ नहीं किया, मैंने कहा था सुरेश ने कुछ नहीं किया। मेरी आंखें खुल गई हैं भाभी, अब से लॉटरी जुआ सब कुछ बंद। मैं जानता हूं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे ना बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप दोनों लोगों से। आज से उधार की जिंदगी बंद। राम प्रसाद मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो कुछ भी नहीं छिपाता था मुझसे। आप बच्चे का ध्यान रखिएगा। बुरा वक्त ही अपनों में छिपे गैरों और गैरों में छिपे अपनों की पहचान कराता है। 60 साल का एक बुजुर्ग हत्यारा पड़ोसी बनकर अपना होने का नाटक कर रहा था, और जगदीश जिसे विद्या और आरती ने हमेशा गैर समझा, वो अपना बनकर उनके साथ खड़ा हो गया। आज उसी की वजह से विद्या की जान बची है और सुरेश बेकसूर साबित होकर हिरासत से बाहर आया है। लॉटरी में अपना भाग्य आजमाना सही है या गलत, ये आपका अपना निर्णय है, लेकिन कर्म छोड़कर सिर्फ किस्मत के सहारे बैठ जाना ये कहीं से भी सही नहीं। लॉटरी एक ऐसी चीज है जो इंसान को अमीर बनने का सपना दिखाती है, और यही सपना इस कारोबार का एकमात्र आकर्षण है। अपनी जिंदगी को फर्श से अर्श पर ले जाने का ख्वाब देखने वाले लोग लगातार अपनी गाढ़ी कमाई और किस्मत लॉटरी के जरिए आजमाते रहते हैं। हाँ, कभी कभी एक टिकट ने कुछ भाग्यशाली लोगों को लखपति करोड़पति जरूर बनाया है, लेकिन ऐसे भी तो कई उदाहरण हमारे सामने हैं जहां लॉटरी के चक्कर में अपनी सारी जमा पूंजी गंवाकर लोग सड़कों पर आ गए हैं। बहरहाल यहां सबसे अहम बात यह है कि रातों रात अमीर बनने वाला शख्स लोगों की नजरों में भी उतनी तेजी से आता है, और फिर लालची अपराधियों के निशाने पर आने का खतरा भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। शंकर को भी लॉटरी की लत थी, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया, और उम्र के आखिरी पड़ाव में भी लालच से चिपके रहने वाले इस बुजुर्ग ने आखिरकार राम प्रसाद को अपने निशाने पर ले लिया। नतीजा, अब उसकी बची खुशी उम्र जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। मैं तो इतना ही कहूंगा, कर्म पर भरोसा कीजिए, क्योंकि कर्म से ही भाग्य की रेखाएं बनती हैं। अपराधी हुए अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। सावधान इंडिया। तो सावधान।